कल दोबारा आए, लोग चाहते हैं। साधना रामचंद्रन कह रही हैं लोगों से बातचीत हुई, अच्छा लगा मिलकर, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कल दोबारा आए इसका मतलब यह कि आज बातचीत की पहली कड़ी रही है, कल फिर से बातचीत होगी, कल फिर से लोगों से वो मिलेंगे। ये बातचीत कितने दिन चल सकती है, ये प्रक्रिया कितने दिन की हो सकती है? जाहिर अगली सुनवाई के पहले वार्ताकारों को सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर ये बात कहनी होगी कि वो जब लोगों से मिलकर आए हैं तो उस बातचीत में क्या निकला है। साधना रामचंद्रन अभी अभी बातचीत खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई है, मीडिया से मुखातिब होने के बाद उन्होंने ये चीजें रखी हैं कि हम लोगों से मिले हैं बातचीत के लिए, लेकिन कल दोबारा आएंगे। मतलब साफ है कि अभी कई दौर की बातचीत हो सकती है। केवल ये मान लेना कि आज वार्ताकार गए थे, बात उन्होंने कर ली और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये बात अभी लंबी चल सकती है। पहले दिन की बातचीत खत्म हो गई है। शोएब जमाई हमारे साथ आ गए हैं। शोएब जमाई, कितने दिन की बातचीत करना चाहते हैं? देखिए, आप प्रवक्ता है ना इसी आंदोलन के, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। मैं तो आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। जुड़ा तो मैं भी हूँ सर, जुड़े तो ये विकास गुप्ता भी हैं, जुड़े ये सब हैं, पप्पू यादव भी हैं। जी जी, लेकिन मुझे बताया गया कि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ के। नहीं नहीं, हमारे यहाँ कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया में बातचीत रखी जा रही है और बाकायदा यहाँ से कायदे से रखी जा रही है, तो ऑफिशियल हमारे यहाँ कुछ नहीं है। यानी कि आप जो भी बोलेंगे वो औपचारिक बयान ना समझा जाए, आप अपनी बात करेंगे या शाहीनबाग की बात करेंगे? शाहीनबाग की बात करेंगे। चलिए, तो आप अधिकृत हैं उसके लिए? देखिए, हमारे यहाँ आधिकारिक कोई चीज़ नहीं है, ये बात तो आपको तय होनी चाहिए, लेकिन चूंकि एक आंदोलनकर्ता मैं भी हूँ उनमें से, और अभी आपके सामने सीधे वहीं से मंच फिर तो आपको साधना जी के साथ होना चाहिए था इस समय। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं वहाँ से वो बीच में छोड़ करके आना पड़ा मुझे, क्योंकि बातचीत जो है बिल्कुल खत्म के लेवल पर पहुँच चुकी थी। और अगर कोई अधिकृत नहीं है तो वो लोग बात किससे कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे आंदोलन में जो है वो कोई क्लोज डोर मीटिंग नहीं होती है, सब कुछ जो है खुले में होता है और ओपन में होता है। तो इस वक्त ओपन ही चल रहा था, मंच पर जो है साधना जी और हेगड़े साहब थे और सामने में तमाम महिलाएं थी और मैं भी वहीं था, सारे लोग भी जो वहां मौजूद थे। तो हम बड़ी गौर से बात सुन रहे थे, जो महिलाओं ने अपनी बात रखी है, दादियों ने अपनी बात रखी है, मैंने उनको नोट डाउन भी किया है कि कितने बेहतर तरीके से जो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की और डेमोक्रेसी की जो बात की है महिलाओं ने, उस पर हेगड़े साहब ने एक टिप्पणी की थी जिसको मैं आपको नोट डाउन करके लाया हूँ, बता दूँ। उन्होंने कहा कि लिबर्टी लाइज इन द हार्ट्स ऑफ मेन एंड वुमेन, और आज ये जो बात थी वो जग जाहिर होती हुई नज़र आ रही है। मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ शाहीनबाग के लोगों से और जिस तरीके से जो यहाँ की महिलाएँ जितना समझ रखती है और जितनी गहराई रखती है इन चीज़ को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, वो उस पर प्रभावित हुई। साफ तौर पर दिख रहा था कि हमारे आप केवल उतना ही सुनते वहाँ जितना आपको सूट करता। नहीं नहीं, मंच पर चढ़ते ही उन्होंने कहा जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है संविधान, लेकिन वो आजादी वहीं तक है अपनी बात करने की, धरना देने की, जहां दूसरों को दिक्कत ना हो। ये आपने नोट नहीं किया क्या? बिल्कुल नोट किया है, वो तो मैं कोर्ट रूम में भी मौजूद था जब जस्टिस कॉल साहब सामने हेगड़े साहब को जब बात कर रहे थे कि आप जाके बातचीत कीजिए शाहीन बाग के लोगों से। तो देखिए, सवाल ये है कि अभी जो हमारी दादियों ने कहा है और वहाँ के लोगों ने जो बात कही है वो ये कहा है कि हमारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है, ये तो रोड का ब्लॉकेड एक बहुत छोटा मामला, आप इसको इतना छोटा क्यों बना रहे, बल्कि बहुत बड़े लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जो मुद्दा है हमारा, अगर सुप्रीम कोर्ट के मीडिएटर शाहीन बाग में मंच पर आकर के खुले में बातचीत कर सकते हैं तो सरकार के लोग इसी तरीके से क्यों नहीं कर सकते? तो फिर उनको दोबारा मांग क्यों बुलाया आपने? यानी कि आप केवल ड्रामा करना चाहते हैं जब आप ये तय करके बैठे हैं कि हमें इनसे बात करने से कुछ हासिल नहीं है, तो फिर क्यों बुला रहे हैं उनको? कल फिर आएंगे, वो कह के गई है कि हम कल फिर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। और क्यों बुला रहे हैं? ड्रामा करने के लिए केवल? नहीं, हेगड़े साहब ने आज कहा कि हम आज आपकी बात सिर्फ सुनने के लिए आए हैं कि आपकी क्या मंशा है, आपके कल जब आएंगे तो हो सकता है वो अपनी तरफ से बातचीत। तो पहले कह रहे हैं कि इनसे क्या बात करें, बातचीत तो उनको सरकार से करनी है, अभी थोड़ा ना हल देंगे। अभी बातचीत जो है वो वन वे हुई है, अभी उन्होंने सबकी बातें सुनी है, गौर से सुनी है, और उन्होंने अपनी बात बहुत ज्यादा नहीं रखी है। कल जब वो आएंगे तो हो सकता है कुछ माइंड मेकअप करके आएंगे। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो कोई पैगाम लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? शाहीन बाग शुरू से ये बात को कहता, और मैं तो कई मंचों से, जबकि कानून मंत्री से मैंने सीधे तौर पर एक कॉन्क्लेव के माध्यम से भी कहा था कि मंत्री जी आप अपने दोस्त सरकारी नुमाइंदे, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल को हो, वो भेजे मंच पर। जिस तरीके से बातचीत आज हो रही है, आज पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जो है हम बातचीत को तैयार हैं। आपने कहा सब, हम तो सारी महिलाओं को लेकर सड़क से मार्च कर जाएंगे, बातचीत ऐसे होती है क्या? तो आपने क्यों नहीं 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बना दिया कि ये बात करेगा वहां जाके, और गृह मंत्री से समय मांग लिया?
आप टीवी डिबेट का हवाला दे देते हैं कि भाई मैंने टीवी कॉन्क्लेव में पूछा था, टीवी डिबेट में तो आपसे भी किसी ने पूछ दिया था कि दिखाइए कागज, उस कागज में कुछ नहीं लिखा हुआ था आपके पास जिसको आप पढ़ के बता रहे थे कि ये संविधान बता रहा है। बातों को घुमाना चाहते हैं तो नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं केवल ये पूछ रहा हूं सर कि भाई पहला सवाल था आप आंदोलन के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपने कहा नहीं साहब मैं नहीं हूं। दूसरा सवाल था कि भाई इस बातचीत से कुछ होगा, आपने कहा नहीं साहब ये तो फालतू में आए हैं, बात तो सरकार को करनी चाहिए थी। अब आप ये कह रहे हैं भाई ये रोड को लेकर बातचीत, देखिए सरदाना जी आप घुमाने से कुछ बात नहीं होगी। क्या कहा, बातचीत बहुत बड़े लेवल पर है इसलिए जाइए इनसे बात कीजिए, बातचीत कीजिए, ठीक है रास्ते के लिए आप आ रहे हैं रास्ते के लिए बातचीत, लेकिन बड़े आप पर्सपेक्टिव में सरदाना जी देखेंगे रोहित जी तो बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि सड़क पे इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि सीए एनपीआर एनआरसी को लेकर मुद्दा है, सरकार का नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं शाहीनबाग के मंच में उसी तरीके से बातचीत कर सकता है जैसे आज वो इंटरलोकुटर आए, बताइए। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, मेरा सवाल तो सरकार से बैठे इनसे पूछ लेता हूं, वकील साहब नहीं, मैं एक बार बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, पहले सुप्रीम कोर्ट में दो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के इंटरलोकुटर आकर के शाहीन बाग के मंच पे बातचीत कर सकते हैं तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं आ सकता, इसका जवाब। अरे भाई एक नहीं, बस इसका जवाब तो के शर्मा बताएंगे, अगर मंत्री जी से आपने पूछ लिया था आपको तब जवाब नहीं मिला, आज आप चिल्ला के क्या हासिल कर रहे हैं बताइए ना, एक सेकंड दिया ना सुप्रीम, मैं कैसे बताऊं, मेरा सवाल सीधा सीधा सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दो इंटरलोक्यूटर या जो दो वार्ताकार नियुक्त किए विष्णु जैन, वो सड़क खुलवाने के लिए किए या सीएए और वो एनआरसी या एनपीआर जो भी है नहीं वो वापस करवाने के लिए नहीं, ये दोनों जो गए ये किस लिए गए? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।